50-50 रुपए दे के इन लोगों को बिठाया मैंने जबरदस्ती वीडियो में। आपको लगता है हम 50 रुपए में बैठे ही? सो वी आर गोइंग टू डू हु नोज मी बेटर चैलेंज। तो मैं पहले से हंसी क्योंकि उसे पता है वो हारने वाली है। देखिए आज क्योंकि वो फोन के क्वेश्चन देख रहा है नहीं। तो जो भी हारेगा उसको देनी पड़ेगी पार्टी। तू हीरोइन है जो देने वाले हम सबको तो विदाउट एनी टाइम पास लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड देखने के लिए कौन मुझे अच्छे से जानता है। लेकिन जो भी हार जाता है वो तो जिंदगी भर ताने सुनने वाला सब है ना। हाँ तुम बोला मत यार। देखो हम दोनों में से कोई भी हार सकता है, दोनों को आइडिया नहीं है, कुछ बुरा बुरा बोलते नहीं है पता है। बुरा बुरा जो हारने वाला होता है ना उसे स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो जीतेगा। समय लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन। व्हाट्स माय फोन नंबर? 89887 आगे का नहीं आता। नहीं दो नंबर यार ये नंबर नहीं अभी वाला करंट वाला ट्रायल नंबर चुना वाला नंबर नया यार और नया लेके 1.5 साल हो गया। देख नंबर तो लर्न नहीं है मुझे नंबर होना चाहिए लर्न। किसका कोई याद रखता है यार जैसे कि ये वो पर्सन है कि इमरजेंसी में काम में आई थी। 0-0 अंडा अंडा। लेट्स जंप इन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। देखो मत यार और यार तुमको अगर पता था कि चैलेंज होने वाला तो तुमने पहले से ही क्या नंबर प्रिपेयर होकर आना चाहिए था। बहुत वाला इजी बहुत ज्यादा इजी। जो पहले बोलेगा वो उसको पॉइंट मिलेगा, जो लास्ट बोलेगा उसको नहीं मिलेगा पॉइंट। ओके ठीक है इसकी बात बंद करके बोल। तो व्हाट्स माय करंट फेवरेट शो? बिग बॉस। दोनों से वन वन एक एक मार्क्स सबको मिल जाते हैं दान में। दान में सेकंड क्वेश्चन हमने ऑन किया है। हां ना मेहनत किया है बुक पढ़ रहा है। वेरी मच इजी वाला क्वेश्चन। बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। अभी उसमें चेंज हो गया, पहले इसको बीच पसंद था अभी इसको माउंटेन। मुझे दोनों यार। 2-1 लेकिन यार इसका बीच भी एक टाइम में फेवरेट था। नहीं यार मैंने सही बोला पहले बीच था अभी ऑटो हो गया। व्हाट वाज माय हॉबी ड्यूरिंग चाइल्डहुड? पेंटिंग। चाइल्डहुड में डांस नहीं करती थी लेकिन डांस से भी ज्यादा था पेंटिंग। पेंटिंग एंड ड्राइंग मुझे कैसे पता है मेरे को एक बार बोले थे देखो था मैं बचपन में क्या करती थी तो उन्होंने क्या करती थी तो इतने गंदे गंदे ड्राइंग्स भेजे ना इसने। मैंने कभी भेजे ही नहीं है। लेकिन मैंने बहुत टफ क्वेश्चन का आंसर किया। टफ नहीं था ये बहुत इजी था। मैंने बहुत बेसिक डाला है। बाद में बोले कि अरे चीटिंग किया है ये तो क्वेश्चन वो ही नहीं है। ये बहुत टफ था। ये भी इजी है क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था दोनों के सामने। व्हाट्स माय वांट टू गो डेस्टिनेशन फिलहाल के लिए? एंड आई एम डिज्नी। वृंदावन। डिज्नी तो नहीं है यार। तुम दोनों आपस में प्लानिंग मैंने देखो नहीं बोला दिल्ली में जाना है रिलीजियस ट्रिप होगा मेरा पेरिस से भी ज्यादा अभी ये हो गया एक्चुअली सेम। अब भाई ये तुमने कब किया मुझे नहीं पता। मैंने बोला था और अभी की बात है 4 दिन पहले की बात। लेकिन तूने मुझे बोला था मैं मम्मी सब मैं जाना तूने सुना मेरा ड्रीम है मैं को देखो जाना है। तो सब में पॉइंट मिलता है ये हारने वाला है मेरा गुड लक टेडी बाहर चला गया ना इसके। सबसे इजी वाला है टी और कॉफी? कॉफी। अगर तू क्या है कॉफी में आलू वो बोलने से पहले उससे बोल दिया लेकिन जो पहले बोलेगा वो ऐसे थोड़ी मेरे को पता है क्योंकि जेरी को बाहर जाना था और ये भी बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है सबको पता मतलब दोनों को पता ही है नॉट इवन नॉट ओनली दोनों को लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है। हारने वाला तो हारने के लिए आया है मुझे पैसे दिए गए यार। व्हाट्स माय फेवरेट फ्लेवर इन एनीथिंग लाइक केक मिल्क शेक बता। चॉकलेट। दोनों ने सेम बच्चे तो फोर आना दे। 5 वेयर डू आई लाइक टू स्पेंड माय मोस्ट ऑफ द टाइम? रूम में। भाई अभी मैंने पहले बोला अभी रिवर्स रिवाइंड नहीं यार नहीं मेरे को भी कॉफी वाला पॉइंट चाहिए। कॉफी तुमने बोला
चलो ठीक है ये वाला पॉइंट तेरे को दिया जाता है क्योंकि तेरे मुझसे जल्दी आंसर आया सो मैं से लेट सेलिब्रिटी क्रश 22 के तो बदल लेकिन एक है कॉमन मतलब एक ही है वो जो एक्टर है ना इसमें कौन सा सीरियल देखती है ये इसका कोई नहीं है क्रश राज रोज बदलती है लेकिन फिर भी वो जो कृष्णा का रोल प्ले किया था जिसने क्या किसका मान लिया वो क्रश नहीं है वो क्रश वाला बोला है वो पर्सनालिटी वो पसंद करती है वो पर्सनालिटी मुझे पसंद है तो फिर टाइगर श्रॉफ नहीं 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 वरुण अभी इसका ये तूने कब बताया बता तू खुद बता यार मुझे बस नाम लिया ऐसे कैसे कुछ भी है यार इसके रोज बदलते रहते मैं तो सुनता भी नहीं जब ये क्रश वाली बात आती है तभी मैं इग्नोर करता हूँ व्हाट आर माय एलर्जीज व्हाट आई एम एलर्जिक टू डस्ट एलर्जी डस्ट तू क्या इसी बात के बाद में बोल रहा है डस्ट अभी एक और एक और रिसेंट वाला एक और है मैंने काफी टाइम बोला भी है अनहाइजीनिक ये तो नहीं होता ये अनहाइजीनिक एलर्जी नहीं होती ना हाँ जल्दी बताओ पॉइंट नहीं यार टीका कभी एलर्जी था ही नहीं ये कुछ भी नया नया बना बहुत बार बोला है उस हिसाब से डाइट भी वैसे ही बन रहा है घर पे डाइट हाँ चपाती की एलर्जी है इसको गेहूं की हालत गेहूं गेहूं पॉइंट नहीं मिलना चाहिए नहीं पॉइंट मिलेगा क्योंकि मैंने ये तेरे से मुझे मैं बाजरा की रोटी रोज खा रही हूँ मतलब वही डाइट चल रहा है मेरा तो मेरा वेट गेन होगा क्या तो तूने ये भी बोला था हाँ बाजरा की रोटी इज मच बेटर देन व्हीट की रोटी नहीं मेरे को व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी 90s गॉड के गॉड के जो जूनियर पूरा रहे ओल्ड सॉन्ग्स एंड बोथ गॉड के नहीं लड़ाई हो रही है पता है इसके वजह से दोनों भी राइट आंसर है तूने भी सेम टाइम पे बोला तुम्हें भी पॉइंट मिलेगा मुझे भी पॉइंट मिलेगा पॉइंट मिलेगा मैं कि बिकॉज़ मैं दो पॉइंट से आ गया तुमसे ये चैलेंज की विनर है ऑफ कोर्स सौम्या बस खत्म अरे मुझे स्टार्ट हुआ था अभी तो पावर दिखाई यार पावर अभी तो चालू ही थी हमारी मैं 10 क्वेश्चंस पूछने वाली थी मैं 10 क्वेश्चंस पूछने वाली थी फिर भी मैंने 11 क्वेश्चंस पूछे एंड उसमें से जो कि देखो आए नहीं जो तेरे को बताने थे लेकिन तेरे दिमाग में आए नहीं तो इसकी विनर है ऑफ कोर्स सौम्या सो यू हैव टू गिव अस पार्टी आज तुम्हारा फास्ट है ना हाँ फास्ट टूट गया हमारा अभी मेरा चालू हो गया ना वैसे नहीं देने का फास्ट है क्या तुम्हारा पैसे खर्चा मैं जीत गई अभी हमने पावर दिखा ना स्टार्ट किया हमारा वार्म अप ही है तो अभी तक वार्म अप नहीं है खत्म भी हो गया यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी ए भाई बताए ना इतने तुम्हें क्या इतने तुम्हें क्या चाइल्डहुड हॉबी तूने सही बोला वो तो सबसे टफ था भाई नहीं टफ टफ नहीं जो उसने आंसर बोला उसको हाईलाइट कर रहा हूँ वो टफ था मुझे माफ कर दो वो टफ था तो हम दोनों को मिलने वाली है पार्टी इससे वैसे भी पार्टी में ज्यादा खर्चा होने लगा क्योंकि ये लगा कि तो हो गया वेजिटेरियन तो फिर कोई सीन नहीं है वेज वाला भी महंगा मिलता है मिलता है देख लेंगे तीन चार बार पार्टी ले लेंगे चलेगा ना अगर पार्टी ये कर देगा तो ऑफकोर्स आई विल मेक अ व्लॉग एंड अगर नहीं देगा Then also I'll make a vlog to expose you that you are not giving us partner. तो अभी इज्जत के लिए देनी पड़ेगी. That's it for today. And अगर आप चाहते हो कि हम और भी challenges बनाएं and वो कौन से बनाएं तो आप comment में बता दीजिए. And if you love this video then please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Till then bye bye. Ready to register नहीं है इस video. Bye bye.